ऐसे एक वक्त था जब हम सोचा करते थे कि जितना बड़ा कैमरा होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन अब जो है वो उल्टा है। जब से मिररलेस कैमरा जो है वो मार्केट में आए हैं तब से इमेज क्वालिटी जो है 110% जो इम्प्रूव हो चुकी है और फोटोग्राफी करना इतना ईजी हो गया है कि जितना एक मोबाइल से होता है। आज जो हम सोनी के A6400 मिररलेस कैमरा जो है इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट करने वाले हैं, मतलब इसके हर फीचर का हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं, A to Z ऑपरेशन करने वाले हैं। गाइस आज जो हम इसका टेस्ट करेंगे वेडिंग कपल शूट में और जो फैशन फोटोशूट में, आउटडोर फोटोशूट में, इंडोर स्टूडियो फोटोशूट में और जो नाइट फोटोशूट में इसका टेस्ट करेंगे। और गाइस इसकी जो वीडियो क्वालिटी है उसका टेस्ट जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाकर जो आप देख सकते हैं। और गाइस जब मैंने इसका वीडियो क्वालिटी का टेस्ट बनाया वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना भूल गया था उसको जो इस वीडियो के एंड में मैंने बता दिया है। अगर उस चीज़ को आप लोगों ने ना समझा तो आपका इस कैमरे को लेने का कोई फायदा नहीं है, मतलब सारे पैसे ज़ाया है। आज की वीडियो के हमारे जो वो चार स्टेप हैं। पहले स्टेप में मैं आपको बेस्ट सेटिंग बताऊंगा सोनी के A6400 की और दूसरे नंबर पर आपको जो इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट करके बताऊंगा। गाइस इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट जो है वो हम सनलाइट में, लो लाइट में, नाइट में तीनों जगह पर करेंगे। और गाइस तीसरे नंबर पर आपको इसके की फीचर बताऊंगा और चौथे नंबर पर आपको इसकी न्यू एंड यूज प्राइस गाइड करूंगा। चलिए पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं बेस्ट सेटिंग की, जो कि जिस तरीके की भी आपने फोटोग्राफी करनी है ये हर तरह की फोटोग्राफी के लिए बेस्ट सेटिंग है। ये वो सेटिंग है ISO परचेज शटर स्पीड के अलावा जो कि आपने लाजमी करनी है, ठीक है। कल यहाँ पर जो है ये वाली इसकी सेटिंग का है, यानी कि इमेज क्वालिटी की जो सेटिंग है वो यहाँ से आपने करनी होती है। और गाइस यहाँ पर आकर जो आपके सारे जो आपको ऑप्शन नजर आते हैं पेजेस, यहाँ पर जो आपकी सेटिंग होती है, पहले नंबर पर आपने JPEG रखना है, फॉर्मेट फाइल को, फाइल फॉर्मेट को, JPEG क्वालिटी को एक्स्ट्रा फाइन, JPEG साइज एरिया को 20 MB रखना है, एस्पेक्ट रेशो आप जो अपने हिसाब से रख सकते हैं। दूसरे पेज में आपने जो है कलर स्पेस को sRGB रखना है, अगर आपने एडिट करनी है Adobe में तो आप Adobe RGB रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपने इस वाले पेज पे फोकस मोड को जो है AF कंटिन्यूस पे रखना है। अगला जो पेज है इसके अंदर आपने जो है स्पोर्ट मीटरिंग को स्पोर्ट पे रखना है, ठीक है, और स्पोर्ट मीटरिंग जो पॉइंट है इसको आपने सेंटर पे रखना है। ये वाले पेज पे आपने वाइट बैलेंस को जो है वो कैल्विन पे रखना है, जो कि आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। क्रिएटिव स्टाइल को आप स्टैंडर्ड पे रखें, पिक्चर प्रोफाइल को आप जो ऑफ कर लें। ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, ये वाली जो है आप FN बटन पे ला के रख सकते हैं, मतलब फंक्शन बटन पे आप ये वाली सेटिंग को जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आप जो है रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े सेटिंग की तो आप यहाँ पे अंदर आपको ना जाना पड़े, आप यहाँ पे FN को दबाएं और सेटिंग सामने आ जाए। और FN बटन पे ये सेटिंग कैसे लेके आनी ये मैंने वीडियो क्वालिटी टेस्ट के अंदर जो है डिटेल से बताया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। गाइस वेडिंग फोटोग्राफी में सारे पैसे जो है वो मूवमेंट्स के होते हैं। और गाइस जब हम DSLR में व्यू फाइंडर से देखकर जो है वो अंदाजे से सेटिंग किया करते थे वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट जो है वो मिस हो जाया करती थी। गाइस यहाँ पर इस कैमरे में ऐसा नहीं है, सारी सेटिंग जो मैंने लाइव मोड पे की है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, आप देख सकते हैं पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी मिली है, शेक नहीं है, ब्लर नहीं है। गाइस यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं शार्पनेस काफ़ी अच्छी मिली है। इस फोटो को हमने Adobe फोटोशॉप में एडिट किया है, इसके ऊपर हमने वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया और आज की जितनी भी फोटोज हैं सबके ऊपर न्यू वन क्लिक फिल्टर जो अप्लाई किया है। जो शाम का टाइम था और फोटोग्राफी सेव हमने ऐसे ही की है जैसे कि मोबाइल में की है, शेक होने की और जो है पिक्चर ब्लर होने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि मिररलेस में बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और यहां पर हमें पिक्चर क्वालिटी 10 से 12 या 15 MB के दरमियान देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी है। हाईलाइट और शेडोज में डिटेल काफी अच्छी जो है देखने को मिली है, डेप्थ ऑफ फील्ड काफी अच्छी देखने को मिली है। और अगर इन सारी जो आज की पिक्चर है इस पिक्चर का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहां से जाकर डाउनलोड कर लें और जूम करके क्वालिटी को जो है चेक करें। फुल हार्ड सनलाइट में करेक्ट एक्सपोजर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाईलाइट की डिटेल जो है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फुल हार्ड सनलाइट में इस कैमरे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं जो डिटेल पूरी है। और यहाँ पर हमने वन क्लिक फिल्टर इसके ऊपर डार्क कलर का अप्लाई किया है जो कि इसके ऊपर बहुत फिट बैठा है, उसकी वजह यह है कि इसकी जो है हाईलाइट में डिटेल जो है वो काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस यहाँ पर जो है दोपहर के 12 बजे का टाइम है और सनलाइट काफ़ी तेज़ है, यहाँ पर हमने इस कैमरे के ब्लर और बुके इफेक्ट का टेस्ट किया है। यहाँ पर ब्लर एंड बुके इफेक्ट इतना अच्छा मिला है, ऐसा फील हो रहा है जैसा कि आपने किसी फुल फ्रेम कैमरे से ये पिक्चर जो वो बनाई हुई है। गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड में डिटेल और स्क्रीन में डिटेल काफी अच्छी होने की वजह से हमारा डार्क जो स्किन टोन का फिल्टर है वन क्लिक फिल्टर वो काफी अच्छा इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, पिक्चर जो फुल सिनेमैटिक लग रही है। गाइस यहाँ पर जो हमने इस कैमरे की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को टेस्ट करने की कोशिश की है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पे सनलाइट है, एक साइड पे शेड्स हैं, अक्सर कैमरास जो है वो इस तरह की सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर इस कैमरे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हाईलाइट और शेडोज में डिटेल अच्छी है। गाइस यहाँ पर हमने इसके ऊपर वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है, आज की जितनी भी फोटोज हैं उनके ऊपर न्यू वन क्लिक फिल्टर मैंने बनाकर जो अप्लाई किए हैं। जो भाई बाय करना चाहते हैं नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ
गाइस यहाँ पर जो है फुल नेचुरल लाइट है और गाइस यहाँ पर हमने इसकी टच स्क्रीन से इसको टेस्ट किया है, फेस डिटेक्शन को टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। गाइस जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो कैमरे के आगे आता है तो फेस खुद ब खुद ही डिटेक्ट हो जाता है। गाइस इस फोटो को हमने फोटोशॉप में जो एडिट किया है, वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है और आज की जितनी भी फोटोज हैं उनके ट्यूटोरियल जो मैंने बनाकर अपने सेकंड चैनल पर रख दिए, इस फोटो का भी रख दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गाइस यहाँ पर जो हमने इस कैमरे के कंटिन्यूस शूटिंग मूड को टेस्ट करने की कोशिश की है, इसलिए हमने थोड़ा सा रैंडम टाइप जो शॉट लेने की ट्राई की है। गाइस मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, आप जो इस कैमरे से काफी अच्छी रैंडम फोटोग्राफी, वॉकिंग पोज और जो रनिंग शॉट जो वो आप ले सकते हैं। गाइस यहाँ पर जो हमने इस फोटो के ऊपर जो सिंपल जो वो क्रीमी टाइप एक फिल्टर जो अप्लाई किया है और इसका हमने ट्यूटोरियल बनाया है, ट्यूटोरियल बनाकर जो है मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आजकल जो है वो इंस्टाग्राम पे फैशन पोर्ट्रेट और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए पोर्ट्रेट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो अगर कोई बंदा इस हवाले से इस कैमरे को जब वो देखना चाहता है तो वो बिल्कुल राइट जगह पर है। आप जो आंखें बंद करके इस कैमरे को बाय कर सकते हैं, फोटो में और वीडियो में दोनों में काफी अच्छा जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और गाइस इसके ऊपर जो मैंने अपने प्रीमियम लट्स अप्लाई किए हैं, मेरे प्रीमियम लट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। गाइस यहाँ पर जो हमने इंडोर स्टूडियो में जो है पोर्ट्रेट कैप्चर इसकी लो लाइट फोटोग्राफी का टेस्ट किया है। गाइस आप खुद इस पिक्चर को डाउनलोड करके जूम करके क्वालिटी को चेक कीजिएगा, लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्मर है ये कैमरा, बहुत अच्छा लो लाइट में परफॉर्म करता है। इसके ऊपर हमने वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है और गाइस यहाँ पर आज मैंने जितनी भी फोटोज बनाई है, मेरी एडिटिंग को आप कितने मार्क्स देंगे कमेंट में लाजमी बताइएगा। गाइस इंडोर की दूसरी पिक्चर में हमने जो है इसकी ISO रेंज को टेस्ट किया है। गाइस यहाँ पर हमने ISO थोड़ा सा बढ़ाकर जो है इस कैमरे का टेस्ट किया है कि इस कैमरे में के ISO बढ़ाने से कितने ग्रेन आते हैं, तो गाइस यहां पर अगर आप जूम करके इस कैमरे की क्वालिटी को चेक करें तो आपको बहुत कम जो है वो ग्रेन जो है वो दिखाई देंगे। तो गाइस इससे ये साबित होता है कि कैमरा लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्मर है। अक्सर जो है वो क्रॉप सेंसर कैमरा जो है वो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर ये इस कैमरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गाइस यहाँ पर जो है फुल नाइट का टाइम है, तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम है, यहाँ पर लॉकडाउन होने की वजह से लाइट्स भी बहुत कम है, यानी कि फुल लो लाइट है। तो गाइस आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, शार्पनेस बुके इफेक्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है और पिक्चर की क्वालिटी सेम इस तरह है जैसे आपने किसी फुल फ्रेम कैमरे से कैप्चर की है। और गाइस यहाँ पर जो हमने इसको जो है सिंपल एडिट कर दिया है, वन क्लिक फिल्टर लगा दिया है और गाइस यहाँ पर साबित हो चुका है कि ये कैमरा लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्मर है। चलिए तीसरे नंबर पर जो हम इसके की फीचर की बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो है 24 मेगापिक्सल का क्रॉप सेंसर कैमरा है, 425 जो इसके अंदर ऑटो फोकस पॉइंट है और गाइस इसकी स्क्रीन जो है वो रोटेट होकर इस तरीके से आ जाती है और गाइस यहाँ पर जो आपको 11 FPS जो वो कंटिन्यूस शूटिंग मूड मिलता है। इसके अंदर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है और गाइस इसकी ISO रेंज जो है वो 100 से लेकर 32,000 तक है। इस कैमरे में आपको जो है वाईफाई मिल जाता है और गाइस यहाँ पर जो आपको बिल्ट इन फ्लैश भी देखने को मिल जाता है और गाइस इसकी बैटरी जो है वो 360 शॉट जो है यानी 360 शॉट जो है वो फुल चार्ज होने पर ले सकती है। चलिए चौथे नंबर पे इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं न्यू और यूज में। गाइस आज की डेट में इसकी प्राइस जो है वो $900 से लेकर $1,000 के दरमियान आपको न्यू में कहीं से भी मिलेगी, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो ऊपर नीचे होती रहती है, इस वजह से प्राइस भी जो है ऊपर नीचे होती रहती है। गाइस सोनी के A6400 के 70% जो यूजर है उनको इसके माइक के अंदर जो है वो प्रॉब्लम देखने को आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि माइक के स्टार्टिंग में जो आपको नॉइस देखने को मिलती है, बाद में जो है ये नॉइस खत्म हो जाती है। तो इसके जो सैंपल्स हैं जो मैंने 3-4 कैमरा से और 3-4 माइक जो है ये मेरे पास है, इनसे मैंने टेस्ट किए, वो सैंपल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके लाजमी चेक करें। शुरू में क्लियरली आपको जो नॉइस देखने को मिलेगा, बाद में जो ये वॉइस ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका जो फिक्स करने का तरीका है वो ये है कि इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑडियो लेवल्स आते हैं वो 26 आते हैं, तो आप इसको 15 या थोड़े कम कर लेंगे तो ये जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा, मेरी एडिटिंग को लाजमी कमेंट में रेट कीजिएगा, 10 में से मुझे कितने मार्क्स देंगे और फोटोज़ को लाजमी डाउनलोड करके जो है उसको बना के भी सेंड कीजिएगा, जूम करके क्वालिटी भी चेक कीजिएगा। गाइस आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए बाय।